आज ये प्रोग्राम रखा था कंबल वितरण का, तो इसमें कितने कंबल आज वितरण किए गए? ये आज लगभग 200 कंबल के आसपास हमने वितरण करे, और कस्बे से जो इस लायक थे गरीब मजदूर लोग उनको हमने आज कंबल देने का काम किया। सांसद जी आज मुख्य अतिथि थे, भाई चौधरी धीर सिंह राव केसर सलीम। इसमें लगभग कस्बा गंगू की अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से लॉकडाउन में आप लोग सामने निकल कर आए, तो विपक्षी लगातार आपके ऊपर सियासत करने का भी एक आरोप लगा रहे हैं। देखो, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, जो भी लोग अपना नेता चुनते हैं वो इसलिए चुनते हैं, चाहे वो प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, विधायक हो, सांसद हो, कि वो खुशी और गम में उनके साथ खड़े हो सकें, यही सोच के वोट करते हैं लाइन में लग के, कि हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे प्रधान, हमारे चेयरमैन के हमारे दुख की घड़ी में साथ दे सके। ये पहली बार एक ऐसी इमरजेंसी थी, ना तो हमने कभी पहले देखी, ना ऊपर वाला कभी आगे दिखाए, क्योंकि एक इमरजेंसी थी। इसमें गरीब मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, ठेला लगाने वाला, पेंचर लगाने वाला, उनके सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया था। सब परेशान थे, कारोबार बंद, फैक्ट्री बंद, शोरूम बंद, दुकान बंद, कोई रोजगार का सिलसिला नहीं था। तो सांसद जी से हमने बात करी कि अब क्या जाए, क्या किया जाए, तो एमपी साहब ने बड़े लेवल पे सहारनपुर के अंदर बड़े किचन चलाए, कच्चा राशन भिजवाने का काम करा, दवाई का काम करा, यहाँ तक के जमात वालों की लड़ाई लड़ने का काम किया। जो लोग विदेश के लोग थे वो जेल के अंदर थे, उन्हें छुड़वाने का काम एमपी साहब ने किया, उनको घर भिजवाने का एमपी साहब ने काम किया। तो विपक्ष वाले ये आरोप लगाते हैं कि सांसद जी ने क्या किया। सांसद जी के सामने एक पहली ये इम्तिहान की घड़ी थी, चाहे वो CA, NPR, NRC को लेके हर जगह प्रोटेस्ट हुआ, सहारनपुर के अंदर भी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन सांसद जी और हम DM साहब, कप्तान साहब से मिले कि प्रोटेस्ट होगा, जुमे का दिन है, लेकिन आप एक काम करना, ये है सिफारिश आपसे कि लाठी चार्ज मत कर देना, वरना पब्लिक हमसे नहीं संभलेगी, आप लाठी चार्ज मत करना, बाकी हमारी पूरी टीम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट होगा। आपके पास में मुजफ्फरनगर है, वहाँ के सांसद जी ने मीनाक्षी चौक पर खड़े होकर गोली चलवाने का काम किया, लोगों की जान गई, लेकिन अल्लाह का करम ये रहा, सांसद जी ने कहा मैं 5,30,000 का सांसद नहीं हूँ, मेरे जिले के 23 लाख MP हैं, 23 लाख लोग हैं, सब ने सब मेरे हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, मैं अमन चाहता हूँ शहर के अंदर, और इंशाल्लाह उसमें हम कामयाब हुए, हमारे सहारनपुर के अंदर अमन रहा। फिर लोकसभा के अंदर खड़े हो गए, 9 CA, 9 NPR लिख के MP साहब ने मोदी के सामने खड़े होके उसका विरोध जताया, CA का, 9 CA, 9 NPR, 9 NRC का। आप और क्या उम्मीद कर सकते हो सांसद जी से? सांसद जी ने CA का विरोध किया, प्रोटेस्ट हुआ सहारनपुर के अंदर, बिल्कुल अमन के तरीके से हुआ, और सहारनपुर के अंदर जहाँ ज़रूरत थी खाने की, राशन की, दवाई की, खुद पूरा परिवार लगा, पूरी टीम लगी, वहाँ उन्होंने किया, गंगों में हमने किया, आप लोग हमारे साथ रहे, सब सेवा समिति के लोग सब जानते हैं, यहाँ जमात वालों के लिए जो यहाँ के विपक्ष के नेता है जो राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने तो ये तक कहा थाने के अंदर कि हमारा जमात वालों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ भी एक जेल बना दी गई थी 4 इंटर कॉलेज में, वहाँ सबको क्वारंटाइन किया गया जमात वालों को, हमने उनको घर भिजवाने का काम किया, उनको यहाँ से जो भी रिलीफ हमसे हुई हमने कहा जमात वालों का इंशाल्लाह हम साथी है, जान से, माल से, तन मन धन से हम साथ रहेंगे, आप लोगों के सामने जमात वालों की जो खिदमत अल्लाह ने हमसे ली वो हमने की, लेकिन ये सिर्फ ढोंग करते हैं मुसलमानों की लीडरशिप करने के लिए कि हम मुसलमानों के नेता है, जब काम पड़ा, जब टाइम आया, घर में छुप के बैठ गए। हम आज कोई चुनाव नहीं है, कोई वोट का मामला नहीं है, हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि एक ऐसी इमरजेंसी थी जिसमें सबको साथ खड़े होने की ज़रूरत थी, उसमें हम साथ खड़े हुए, और इंशाल्लाह आगे भी जब तक जान में जान है हम लोगों के बीच में रहेंगे। आज किसान, मजदूर, गरीब सब परेशान है इस सरकार में, इतनी सर्दी में
महिलाएं, बच्चे, बूढ़े लोग वहाँ सर्दी में बैठे हैं सिंधु बॉर्डर पे। इसे सरकार को शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। इसका जो भी है इसको बैठ के निपटाना चाहिए, धरना खत्म करना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूँ इन तीनों कानून की, काला बिल जो है लाए इसको वापस ले, क्योंकि सरकार में कोई कारोबार नहीं है, युवा बेरोजगार है, सब परेशान है, मजदूर परेशान है। यही मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, धन्यवाद।